अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे माय टॉपिक इज़ क्लॉक। क्लॉक इज़ अ टाइम मशीन। आज मैं आपको घड़ी कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। क्लॉक बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया था, जिसका जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से क्लॉक बनाई जाती है। अब ये क्लॉक किस तरह से काम कर रही है ये देखें आप। ये क्लॉक आपकी बनी हुई है, सर्कुलर क्लॉक है। क्लॉक बेसिकली जो है वो 5 का टेबल है, जो कि 12 तक आप इसको लेते हैं। ये यहाँ से 0 से शुरू होता है, ये यहाँ 12 है, ये यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। ये 5 मिनट्स, जब 1 पर आता है तो 5 मिनट्स पूरे हो जाते हैं। 5 1s are 5। नाउ देन 1 2 3 4 5, 5 2s are 10, 10 मिनट्स, 1 2 3 4 5, 5 3s are 15, दिस इज़ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पर हमारा जो है वो 1/4 आवर जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। देन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 4s are 20, 20 मिनट्स पर ये आ गए हम। देन 25, 5 5s are 25, 1 2 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 मिनट्स पे आपका हाफ एन आवर हो जाता है, आधा घंटा जिसे हम कहते हैं, हाफ एन आवर। फिर आगे हमारी घड़ी चल रही है, ये 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55, and 5 12s are 60. Now, इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 जो हैं वो हैंड्स हैं। जो फर्स्ट हैंड है, जो कि स्मॉल हैंड है, ये स्मॉल हैंड आर्स का हैंड है, और जो ये बड़ा हैंड है ये मिनट्स का हैंड है, एंड दिस इज़ फॉर सेकेंड्स। अच्छा, अब आप ये देखें, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। एक घंटा कंप्लीट होगा जब 60 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे, और एक मिनट कंप्लीट होगा जब 60 सेकेंड्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। 60 सेकेंड कंप्लीट होते ही एक मिनट हो जाएगा, और इसी तरह से जब 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मुफीद मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुँचें और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।